हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2021 की सब्जेक्ट का दोस्त एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें आपको आर्कोलॉजी एंड कल्चर के बारे में पढ़ना था कि आर्कोलॉजी क्या है एंड कल्चर क्या है। बीए थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन 2021 का ये पेपर आपके सामने दिख रहा है, एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं। कोड नंबर है पेपर का आपका 3002, और ये पेपर आपका 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100। आप बोलोगे 3 घंटे का? जी हाँ, 3 घंटे का नहीं बल्कि आपके 1.5 घंटे का पेपर था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये पेपर आपका ऑलरेडी पहले बन चुका था अप्रैल में ही, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये आपके एग्जाम अब हो रहे हैं एंड टाइम आपका आधा कर दिया गया। तो आपको, आप जब क्लास में जाओगे तो उस टाइम पर आपको बता दिया जाता है कैसे कैसे कितने पेपर आपको करने हैं। तो आओ सबसे पहले इसमें जानते हैं। सबसे पहले आपको नोट्स देखना होता है। देखो नोट्स में क्या कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ये आपको करना है। सेक्शन बी और सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और वही चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में भी समझाया हुआ है कि कुल 5 प्रश्न करने हैं, एक अनिवार्य है, खंड आ और बा में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं और सभी के उत्तर समान हैं। तो ये जो नोट दिया गया है ये आपके दिया गया किसके लिए? 3 घंटे के टाइम पीरियड के लिए। अब आपका टाइम हो गया है 1.5 घंटे का, तो अब 1.5 घंटे में आपको क्या करना होगा? तो इसमें देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा 1.5 घंटे के टाइम में भी, एंड खंड आ और खंड बा से जो 2-2 क्वेश्चन है ये अब एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन ये, अब 3 क्वेश्चन हो जाएगा अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, आपको आप जब जाओगे हो क्लास में बता दिया जाता है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देख करके जाते हो तो आपको पता ही है ये सब चीज़ें होती हैं, हर पेपर में ये सब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है। तो आओ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, दैट इज वेरी टफ क्वेश्चंस, बहुत टफ क्वेश्चंस थे, यानी कि बच्चों के हिसाब से मैंने कई सारे बच्चों से बात किया जब मैं पेपर कलेक्ट करने गया होता, तो मैंने कई सारे बच्चों से बात किया कि मतलब क्या चीज़ें थी, कैसा पेपर आपका गया। तो उन्होंने कहा सारा पेपर तो सही गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी वाला था ना भाई, वो वाला बहुत हार्ड हो गया यार। तो देखो आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने कह रहा है संगलक फलकों की पहचान कीजिए और संक्षिप्त में इस पर टिप्पणी लिखिए। देखो टिप्पणी लिखने के लिए आपके पास 5 पॉइंट देता था आपको, तो यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास फिगर्स दिख रहा है। आप देख पा रहे हो ये फिगर आपको दिख रहा है, अब इस फिगर को देखो और पहचानो कि ये कौन सा फिगर है आपका, और इस फिगर के हिसाब से इस फिगर पर टिप्पणी लिखना है। तो आपके पास पहला फिगर ये दिख रहा है, सेकंड फिगर आपको ये दिख रहा है, थर्ड फिगर आपका जो इसमें है ये आप देख सकते हो, थर्ड नंबर फिगर आपका ये दिख रहा है, एंड फोर्थ नंबर फिगर आपके सामने ये है, एंड फिफ्थ नंबर का फिगर आपके सामने ये दिख रहा है। ये 5 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इन 5ों टॉपिक्स पर आपको क्या करना है दोस्त? इन 5ों टॉपिक्स पर आपको लिखना है चीज़ें, इन 5ों टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, बताना है कि ये इसका संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। तो ये 5ों टॉपिक्स जो आपको 5ों दिख रहे हैं, इन 5ों फोटोज को देख करके आपको बताना है। आप कोई क्वेश्चन अगर लिखा है तो बच्चा समझ जाए कि उसने ये रट करके आया। अभी ये पेपर ये देख करके बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, कुछ लोगों ने बना दिया, कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया है पहला नंबर क्वेश्चन। ओके, अगला जो आपका सेक्शन ए है, पहले क्या होता था सेक्शन ए में आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन करना होता था, लेकिन अभी आपके पास एक ही क्वेश्चन आपको करना है। आपको मैंने बताया सेक्शन ए और सेक्शन बी से एक एक क्वेश्चन करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन है जिनमें से एक आपको करना है। एंड आपके पास देख सकते हो खंड आ में क्या कह रहा है जो इसका दिया हुआ है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 1000 वर्ड, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 नहीं बल्कि 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, वो तो आपको 3 घंटे के हिसाब से बताया हुआ है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स, अजंता की चित्रकला की, अजंता की पेंटिंग्स जो हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करो कि अजंता की जो पेंटिंग्स हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। इस पर आपको 1000 वर्ड लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप इस पर 1000 वर्ड लिख करके सेक्शन ए को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार और मथुरा कला शैली की भिन्नताएं बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों अलग किस रूप में अलग हैं, क्या चीज़ें अलग हैं इनमें, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके पास। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया सेक्शन ए का, अगर आपको इन दोनों में से कोई आता है तो आप वो कर दीजिए, आपका पूरा सेक्शन ए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है इसका जवाब तो आपके पास 2 ऑप्शंस और यहाँ दिख रहे हैं, देख सकते हो आप। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि राइट इन डिटेल अबाउट द राथास ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के जो रथाज हैं, रथाज मतलब रथ, तो महाबलीपुरम के रथों की विस्तृत व्याख्या करनी है कि वो रथ कैसे थे, क्या उसमें क्या उसकी खासियत थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, उसमें क्या चीज़ें था, कौन उसका यूज करता था, मतलब उसके बारे में पूरी स्टोरी आपको लिखनी है 1000 वर्ड में। एंड आपको अगर ये भी नहीं पता है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन और भी है कि राइट एंड एस्से ऑन
कंदारिया महादेव टेम्पल, कंदारिया महादेव मंदिर पर एक निबंध लिखना है कि यह मंदिर क्या है, कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, मतलब पूरा डिटेल आपको लिखना है। तो आपके सामने आप ये देख सकते हो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, ये आपके सामने इतने 4 क्वेश्चन हैं। 4 में से कोई एक क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, कोई एक क्वेश्चन आप कर दो, आपका पूरा सेक्शन एक खत्म। और इसके बाद शुरू होता है अब यहाँ से आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, देखो कह रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन, जो है आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स। यानी कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बट आपको पता है कि अभी एक क्वेश्चन करना है, ये 2 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के हिसाब से बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अगर आप सेक्शन बी का कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे तो उसमें एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आपको करने हो जाते हैं। जैसे 6 आप उठा रहे हो तो 6 का आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखना चाहो देखो 6 का ए यहाँ है और 6 का बी यहाँ है। अगर आप 6 नंबर चूज कर रहे हो कि मैं 6 नंबर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो आपको 6 का ए एंड 6 का बी दोनों करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है राइट ए नोट ऑन इंडस वैली टाउन प्लानिंग, सिंधु घाटी की नगर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंडस वैली की जो टाउन प्लानिंग थी कि नगर योजना क्या थी, इंडस वैली में किस तरह से नगर बसाए गए थे, नगरों में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी। आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन है एंड उसमें इतना ज्यादा विकास हो चुका था, वो बेसिकली हो सकता है आज के टाइम के लोगों ने भी उतना विकास ना किया होता। जिस तरह से अंडरग्राउंड नालियां थी, अभी आप देखोगे नालियां अपने गाँव या सिटी में देखो, नालियां बाहर खुली हुई हमें दिखाई देती हैं, उस समय अंडरग्राउंड नालियां थी सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर आप देखोगे उठा करके चीजों को। नगर थे, नगरों में सड़क था, सड़क के दोनों साइड में घर थे एंड घर भी ऐसे थे जिनके बाड़ियां जो होती थी सड़क की तरफ खुलती थी, हवा की पूरी व्यवस्था, मतलब एक तरह से बहुत बेहतरीन सिविलाइजेशन थी। तो सिंधु घाटी की जो नगर योजना थी उस पर संक्षिप्त आपको वर्णन लिखना है। तो अगर आपको बताया तो ये, और दूसरा आप जो इसमें है आपका कि राइट ऑन नोट ऑन क्या कुषाण कला, कुषाण आर्ट जो है, कुषाण कला पर एक नोट लिखो। तो अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ये आंसर दे दीजिए एंड आपका सेक्शन बी भी खत्म। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप अगर 7 नंबर क्वेश्चन चूज करते हैं तो 7 नंबर पे भी आपके पास देख सकते हो ए और बी 2 ऑप्शन है। ए कह रहा है आपका राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ बृहत सूत्र, बृहत के जो स्तूप हैं, स्तूप्स लिखा हुआ है, बृहत के स्तूप की मुख्य विशेषताएं क्या थी ये बता दीजिए आप। एंड सेकेंड है आपका चैत्य ग्रह पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन चैत्य ग्रह। अगर आपको इन दोनों का आंसर पता है तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपके पास ऑप्शन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंगराजा टेंपल, लिंगराज जो टेंपल है उसकी विशेषता क्या है, काफी महत्वपूर्ण टेंपल है आप देखोगे जाकर के। तो लिंगराज जो टेंपल है इसकी विशेषता आपको बतानी है, किसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, वहां पर किस तरह से चीजें होती हैं। 500 वर्ड्स आपको इस पर लिखना है एंड अगर आप ये पता है तो ये कर सकते हैं। सेक्शन बी भी आपको करना होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू टेंपल्स, हिंदू मंदिरों की क्या विशेषता होती है, इसको आपको बताना है, चाहे वो टेंपल साउथ के हो, नॉर्थ के हो, क्या होता है विशेषता हिंदू टेंपल की, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ये दोनों क्वेश्चन देकर के सेक्शन बी को खत्म कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आपके पास एक ऑप्शन और है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको ए और बी, इसमें भी दिया हुआ है 2 ऑप्शन। पहला है आपका पल्लव कला के बारे में आपको बताना है, पल्लव आर्ट क्या है, और दूसरा है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है, इन दोनों के बारे में अगर आप टिप्पणी लिख सकते हो 500 वर्ड्स में तो आप यही क्वेश्चन कर दो, आपका सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो सेक्शन बी में भी आपके 9th नंबर, 8th नंबर, 7th नंबर, 6th नंबर, इस तरह से 4 क्वेश्चन है। इन चारों में से जिस भी क्वेश्चन का, जिस भी एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता है आप उसका आंसर दे सकते हैं एंड आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। सेक्शन ए में भी आपको एक करना है और इन चित्रों को देख करके आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये था दोस्तों आपका पेपर जो है बीए थर्ड ईयर के मिडाइबल जो है एंशियंट हिस्ट्री का, जिसका नाम है एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अगर उनके भी अभी एग्जाम नहीं हुए तो वो भी इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो, ये बहुत फिगर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये फिगर्स वो तैयार करके जाए दोस्त। फिगर्स आप तैयार करके जाओगे तो आपका जो कंपलसरी वाला है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि उसको में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ करके कोई दूसरा कर सकते हो, वो अगर आपने छोड़ा तो उसके नंबर आपके कटने ही कटने हैं। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, अगर आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उतनी शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।